चैनल, दिस इज तौफीक राजा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हाइफिन का 80 सेंटीमीटर फोटो स्टूडियो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। तो आज मैंने उसको ख़रीदा है। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली मैंने अमेजन से मंगवाया है, और ये इसका बेसिकली काम है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये इस्तेमाल होता है, एक जैसे एक ट्रेंड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माई चैनल, दिस इज तौफीक राजा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हाइफिन का 80 सेंटीमीटर फोटो स्टूडियो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। तो आज मैंने उसको ख़रीदा है। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली मैंने अमेजन से मंगवाया है, और ये इसका बेसिकली काम है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये इस्तेमाल होता है, एक जैसे एक टेंट है, टेंट की तरह एक बॉक्स है, उसमें लाइट्स, लाइटिंग सिस्टम्स है, और उसमें आप अपना प्रोडक्ट्स रख सकते हैं और उसको शूट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, 80 सेंटीमीटर का है और मैंने इसे अमेजन से मंगवाया है। और देख सकते हैं आप, ये बॉक्स है, तो आप इसमें अपना प्रोडक्ट और कमर्शियल छोटा मोटा प्रोडक्ट शूट, प्रोफेशनल प्रोडक्ट शूट इसमें आप कर सकते हैं। तो मैंने ये अब आज मंगवाया है, मुझे पता नहीं है ये कैसा है, तो जैसे मैं उसको ओपन करूँगा तो हमको पता चलेगा, देखेंगे कि इसको कैसे असेंबल करेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे, और मैं आपको शूट करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस। सो दिस इज द पैकेट व्हिच आई ब्रॉट, ये अमेज़न से मैंने मंगवाया है। तो ये पूरा बॉक्स ऐसे आता है, इसमें पूरा रैप किया गया है, ठीक है। तो मैं आप एक एक करके इसको कट करूंगा और हम देखते हैं इसके अंदर में क्या है। काफी बड़ा और हेवी बॉक्स है, इससे आप अपना प्रोडक्ट, प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी असाइनमेंट्स और इजीली कर सकते हैं। ये भी मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या है। अमेज़न का पैकेजिंग मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी सेफ और काफी बेहतरीन पैकेज होता है इनका, काफी मजबूत। आई लव इट। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये है लाइट टेंट 80 सेंटीमीटर, इसके अंदर ये इसका पैकेट है, बाहर जो था वो अमेज़न का पैकेट। तो हम, मैं इसको साइड कर देता हूँ। इसके अंदर एक बिल है और एक थैंक यू फ्रॉम हाइफिन।
किया। वाह, आप देख सकते हैं अंदर, दीज आर द थिंग्स व्हिच कम्स इन द पैकेट। दिस इज अ पैकेट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये है लाइट, एलईडी लाइट जो अंदर असेंबल होगा। तो असेंबल करने के लिए इसको काफी वक्त, मतलब वक्त तो नहीं लेकिन इसको थोड़ा सा असेंबल करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट जाएगा, लेकिन इट्स वर्थ। ये देखिए, ये है रोल, बैक रोल ये आ रहा है, और ये है टेंट, टेंट का जो सपोर्ट रहता है पिलर्स, इसे हम टेंट माउंटिंग बोल सकते हैं इसको, इसे इसके ऊपर टेंट माउंट होगा ये है, और ये हमारा टेंट। असेंबल का मैं और एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, और एक फोटो शूट, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी का शूट भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है इसका परफॉर्मेंस, कैसे हो रहा है, वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा। आज ये जस्ट, इट्स जस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। ये देखिए, ये है डिफ्यूज़र, जो लाइट है एलईडी लाइट, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए भी डिफ्यूज़र दिया गया है। वंडरफुल, जैसे कि हॉर्स लाइट प्रोडक्ट के ऊपर ना गिरे, एकदम सॉफ्ट लाइट आए, वो दिया गया है डिफ्यूज़र। और ये है जॉइंट्स, जो पिलर्स है उसको लगाने के लिए जॉइंट्स, इधर तो जॉइंट्स, और कुछ नहीं है बस। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था अनबॉक्सिंग वीडियो, हमने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।